हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, पर शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये कायनात बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन प्रस्तुत पंक्तियों के साथ कनिष्का हाउस अपनी प्रस्तुति पेश करने जा रहा है। आज की प्रस्तुति आधारित है सामाजिक बुराइयों पर, वो बुराइयां जो समाज में दानवता के प्रारूप में ढल चुकी है। आइए देखते हैं आज की प्रस्तुति को। पहला दृश्य, ये भाई उधर तो दे, अरे यहाँ दे दे, अच्छी है मेरा भाई तो है, नहीं तो बात करेगी, अरे देख तो कैसे बात करती है मैडम, ओ मैडम सुनिए तो सही, किसी को कुछ करना चाहिए। चल चल भाई इसे कुछ मदद करते, चल इसे अस्पताल लेके चलते। पागल है भाई, पुलिस का पेड़ा है, फंस जाएंगे बार बार। झुलसा दिया उस चेहरे को जो शांत थी किसे आंखें थी, मिटा दी हंसी उसकी, खामोशी चीख रही उसके कमरे की। क्या कायल हो इतने कि उसकी ना तक ना सह सके, देखने वालों से भी तो पूछूं क्यों वक्त रहते तुम कुछ ना कर सके। हर अंधेरे में एक छोटी किरण आशा की होती है, श्रेया के लिए सत्यम वो किरण बनकर आया। अरे क्या हो गया, आदर्श इंस्पेक्टर की तरह कर्ण और अयन को पुलिस स्टेशन में लाता है। पुलिस स्टेशन का दृश्य, क्या सर आप ही हम लोग को यहाँ बेकार कर ले आए हैं, तुमने जो किया है वो अपराध है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अरे सर कुछ ले दे के खत्म कीजिए। तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें मैं घुसखोर ऑफिसर दिखता हूँ क्या? अरे सर सुनते नहीं क्या, हमारे पापा यशवंत सिंह है पटना के एसपी, चुपचाप कीजिए और खत्म करके मामला, बात तुम लोगों में दूसरा तरीका आता है। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप कैसे करोगे, आप पैसे दे दो मैं और आप जा सकते हो, मैं आपके बैग में ऑर्डर पैसे चले जाते, ठीक है शुक्रिया। एक बार फिर पैसे की ताकत ने इंसाफ को मिटा दिया। पुलिस इंस्पेक्टर घूस लेकर उसी पैसे से नशे में धुत होकर घर आता है। घर का दृश्य, ठक ठक दरवाजा खोलो। अरे भैया आप ये क्या कर क्या है, तुम मुझसे सवाल करोगे, ये क्या कर रही हो, पढ़ाई जाओ जाके चूल्हा चौका करो, लड़की हो ना। आदर्श ये तुम क्या किए बच्ची बहन के साथ, तुमने उसे क्यों मारा और ये क्या हाल बना रखा है अपना, किसी दिन के लिए मैंने तुमने पढ़ाया लिखाया था, तो जाओ अपने कमरे में। बुड्ढा बहुत बोलता है, जिस दिन ये घर मेरे नाम हो गया उस दिन दोनों को घर से निकाल दूंगा, फिर देखते हैं कैसे आता है ये बुड्ढा। कर नशे में धुत होकर मदहोश हो, क्या तुमने कोई गुनाह किया, ज्यादा नहीं पर जुल्म बेपनाह किया, माँ बाप को सुना दिया और मुझे पर हाथ नहीं उठा दिया, गलती तुम्हारी भी नहीं, उस वक्त तुम कौन थे क्या पता,
वो तो एक हैवान था, अंदर का इंसान हो गया था लापता। जब हम कानून को अपने हाथ में ले किसी निर्दोष को मारते हैं, तब हम खुद बुराई का हिस्सा बन जाते हैं। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हत्या आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। अरे भाई वो देख, वो लड़का कुछ देखा देखा लग रहा है ना। अरे भाई ये तो वही है जिसे कल तुमको सुनाया था। चल चल इसे बताते हैं। अरे भाई सुनो चोर, ये तो वही है ट्रक का ठका करने वाला, मारो इसे। इस बार कोई नहीं आया, पुलिस आई भी पर लेट आई, और एक बार फिर इंसाफ वहां आंखें बंद करते रहे। भोले रंगुश रक्त पीने का निश्चय किया, आवेश जल के कोयला ही बाकी रहा, तौलने निकले हो कि खून कितना बहा, कि हो निरंकुश रक्त पीने का निश्चय किया। सूरज डूबने में वक्त है, अभी लौट जाओ, कहां घूमोगे बिराने में लौट जाओ। दीवाने हो गया क्यों, पागलों सी बातें करते हो, गुनाहों के शहर में इंसाफ नहीं मिलता, लौट जाओ। कोई नहीं रोकेगा अगर होंगे जुल्म ही कभी, लोगों का शहर है ये, तुम लौट जाओ। कोई नहीं देगा गवाही, ना इंसाफी की यहाँ गूंज है, सभी बशिंदे तुम लौट जाओ। मौन जो रही सही कसर थी आज पूरी हो ही गई, वो वहां मरी पड़ी इंसाफ, और हर बार की तरह हम खड़े दर्शक। मैंने उसे बहुत समझाया था, बहुत कोशिश की थी कि इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, तो पता है क्या कहती है, बी द चेंज यू ऑट टू बी, हो गया ना चेंज। ये जो 6-7 मिनट का एक्ट होना था ये तो हो गया, लेकिन अब तो होगा वही जो होते आया है। न्यूज आएगी, व्हाट्सएप पे जाएगी, लाइक्स कमेंट आएंगे, वायरल हो जाएंगे, फिर क्या, फिर नई न्यूज आएगी, व्हाट्सएप पे जाएगी। भ्रष्टाचार, रेप, एसिड अटैक, डोमेस्टिक वायलेंस, जान पाल, छुआछूत, ये सब तो बच्चे हैं उस जुर्म के सामने जो हम सब करते हैं, हर रोज करते हैं। लेकिन भाई ऐसा क्या करते हैं, कुछ करते ही तो नहीं। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हम सब अक्सर ऐसी परेशानियों से अपना मुंह फेर लेते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम इन सबको टाल तो सकते हैं, लेकिन इस आचरण से कभी इन्हें मिटा नहीं सकते। ये इंसाफ मरी पड़े, इसका गुनहगार मैं हूँ, इसमें जान मैं फूकूंगा, 1000 की भीड़ में एक पागल दीवाना बन जाऊंगा। इतिहास ने तो मस्तानी देखी है, इंसाफ कोर्ट चलाने को मैं इतिहास का मस्ताना बन जाऊंगा।